स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर राइज ऑफ हिटलर एंड नाज़िज़्म। इन दिस चैप्टर यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड विद यू प्रॉब्लम्स ऑफ वीमर रिपब्लिक। सो मेनी प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय वीमर रिपब्लिक व्हेन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर काइजर विलियम फ्लेड फ्रॉम द कंट्री एंड न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। दे फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स because at that time they had to face so many difficulties. This difficulty was First World War, and after First World War many people who suffered a lot, they became unemployed, they were poor, clear? So it was very difficult for newly Weimar Republic to give them proper facilities. Even Treaty of Versailles they had to sign. The terms and conditions of this treaty were very harsh. Okay, many areas of Germany were taken by the winner countries: coal areas, iron mines, territories, overseas colonies. आप टिप्स में याद रखो कौन-कौन से लॉस याद रखना। ट्रीटी ऑफ वर्साय में क्या मेन बताना है आपने? लॉस ओवरसीज कॉलोनीज। ओवरसीज कॉलोनीज में आपने बताना है कि जो एरियाज पहले जर्मनी के अंडर थे, नाउ दीज एरियाज वर टेकन बाय विनर कंट्रीज। देन बताना है आपने टेरिटरीज, 13% टेरिटरीज, जर्मनी का टोटल एरिया उसका 13% ले लिया गया। देन कोल एंड आयरन माइंस, देन राइनलैंड, उसके बाद धीरे धीरे एक और एरिया था रूहर, RUHR, दैट वॉज टेकन बाय विनर कंट्रीज। देन इसके बाद प्रॉब्लम आई कंपनसेशन, 6 बिलियन कंपनसेशन वॉज इम्पोज। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई? इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फिर डिप्रेशन। डिप्रेशन स्टार्ट हुआ यूएसए से, लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ा जर्मनी पे, क्योंकि जर्मनी ने यूएसए से लोन्स लिए हुए थे। और जब जर्मनी यूएसए में प्रॉब्लम आई, देन एट दैट टाइम जर्मनी दे हैड टू रीपे देयर लोन्स विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो अमाउंट होती है प्रिंसिपल अमाउंट होती है, दे हैड टू पे बैक। एंड एट दैट टाइम इन 1930, 31, 32 इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज टोटली शट डाउन। ड्यूरिंग दैट टाइम The entry of Hitler, या हम ये कह सकते हैं कि जो हिटलर की एक इम्पॉर्टेंस सोसाइटी में, या लोगों ने हिटलर जो है उसकी जो है जिसे हम कहते हैं कि उसकी प्रेजेंस को फील किया कि कैसे हिटलर ने प्रॉमिसेस किए लोगों के साथ। और उस टाइम पीरियड में लोग जो थे जर्मनी के जो लोग थे, तो दे वॉन्टेड समथिंग डिफरेंट गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक ना हो, क्योंकि उनका मोनार्की से भी फेथ उठ गया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम से भी फेथ उठ गया था। नाउ दे वांटेड समथिंग डिफरेंट जो कि उनको उस सोसाइटी से निकाल सके, उस प्रॉब्लम से निकाल सके। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज वाइमर रिपब्लिक प्रॉब्लम। साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू डिस्कस योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो दिस इज सेकंड चैप्टर, सेकंड क्वेश्चन। साइड बाय साइड दिस टॉपिक विल कवर द सेकंड क्वेश्चन आल्सो। पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर और नाज़िज़्म, मतलब चाहे आप नाज़िज़्म की पॉपुलैरिटी बताओ, हिटलर की पॉपुलैरिटी बताओ, आंसर विल बी द सेम, बिकॉज हिटलर वाज़ द लीडर ऑफ नाज़ी पार्टी। पॉपुलैरिटी ऑफ नाज़िज़्म, दैट इज आल्सो सेम। पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर एंड नाज़िज़्म, नाज़ी पार्टी या नाज़िज़्म या हिटलर जो है वो पॉपुलर कैसे हुए? नियर अबाउट 1930, अब हमारा टाइम पीरियड हमने क्या पढ़ना है, नियर अबाउट 1930, या विच फैक्टर्स लेड टू पॉपुलैरिटी या राइज ऑफ हिटलर इन जर्मनी। क्लियर, हमने इसमें पढ़ना है विच फैक्टर्स लेड टू राइज ऑफ हिटलर। हमने इससे पहले पढ़ा है वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम, अब हमने पढ़ना है कि हिटलर की पॉपुलैरिटी या नाज़िज़्म जो है उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी कैसे हुई, कैसे इनको एक जिसे हम कहते हैं कि अटेंशन मिली कंट्री में। ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो हमने यही बताना है कि प्रॉब्लम्स के कारण ही हिटलर पॉपुलर हुआ, उसकी वीकनेसेस बतानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। इसमें हमने पॉलिटिकल कंडीशन बतानी जर्मनी की। हम इसमें बताएंगे दैट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन वीमर रिपब्लिक,
20 times government was changed. 20 times government was changed. Changes हुए. Ministers को reshuffle किया गया. First World War से लेकर Treaty of Versailles, economic crisis, depression. ये continue years जो थे. 20 times government was changed. Collision government थी. Clashes. हमेशा clashes होते रहते थे अलग-अलग political parties के बीच में. गवर्नमेंट बनती थी, फिर फेल हो जाती थी, फिर सपोर्ट खत्म हो जाता था, फिर बनती थी, फिर खत्म हो जाती थी. और इस तरह से डेप्टीज या मिनिस्टर्स आए दिन पार्लियामेंट में चेंज होते रहते थे. मैंने आपको पार्लियामेंट का नाम बताया था, नेम ऑफ द पार्लियामेंट राइक्सडैग. सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी. ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पीपल दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये भी एक रीजन बना हिटलर की पॉपुलैरिटी या हिटलर की नाजी पार्टी का. बिकॉज एट दैट टाइम पीपल दे लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द वीमर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज. क्लियर? देन नेक्स्ट इज हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साय. सेकेंड रीजन क्या बना? देन व्हेन वाइमर रिपब्लिक दे साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साय. This treaty was very harsh and humiliating, and people of Germany, they considered Weimar Republic as November criminal because this treaty was signed in the month of November. And आपने इसको short में बताना है. Due to this, important areas of Germany, territories, overseas colonies, coal mines, iron mines were taken by the winner countries, and at that time. This harsh and humiliating treaty of Versailles. Due to this, many people in Germany, they considered Weimar Republic as November criminal. So this was also the base of popularity of Hitler. Ye bhi ek base bana Hitler ki popularity ka. Because now people, they lost confidence. Wo chahte the ki koi aur party ho, koi aur leader ho, jo unko is harsh aur humiliating treaty jo hai, usse free karwa sake. ठीक है. फिर आपने थर्ड बताना है. आपने वीमर रिपब्लिक की प्रॉब्लम्स को ही आपने इसमें शॉर्ट में हाईलाइट करना है. अब थर्ड हेडिंग आप इसमें इकट्ठा बना दोगे, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डिप्रेशन. वीमर रिपब्लिक इन 1923 दे वर नॉट एबल टू गिव employment, people they became unemployed, inflation, जो जो भी हमने economic problems बताई हैं, rise in prices, depression की जो problem, ठीक है? Due to that, economic condition of the country that became worst, weak, and due to this weak condition, people they lost confidence. यहाँ तक हमने पहले सारा base बताना है, history बतानी है. अब हम इसके बाद बताएंगे नेक्स्ट हिटलर. हिटलर का पॉलिटिकल करियर. पॉलिटिकल करियर ऑफ हिटलर कि हिटलर की एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे हुई. पॉलिटिकल करियर ऑफ हिटलर. इसमें सबसे पहले आपने बिल्कुल शॉर्ट में बताओगे दैट बॉर्न इन 1889. हिटलर का बर्थ कौन से ईयर में हुआ था? 1889. ऑस्ट्रिया. बर्थ प्लेस कौन सा था? ऑस्ट्रिया. एंड ही वाज वेरी पुअर. उसका जो यूथ है, ठीक है, जो उसका चाइल्डहुड था, ही स्पेंड हिज यूथ एंड चाइल्डहुड इन पॉवर्टी. एंड ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही ज्वाइंड, उसने आर्मी ज्वाइन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में. He was also one of the soldier in First World War and fought in First World War from Germany. उसके बाद जब First World War में जर्मनी की हार हो गई, Germany was defeated, then he joined politics. He was very angry. वो First World War में जर्मनी के हार जाने से बहुत गुस्से था और Weimar Republic की Treaty of Versailles साइन करने का भी उसके ऊपर बहुत एक बैड इम्पैक्ट पड़ा. And he wanted to recapture the position of Germany in the world.
वो जर्मनी की जो लॉस्ट कंडीशन थी, लॉस्ट पोजीशन थी, उसको वापस लाना चाहता था. एंड दैट्स व्हाई ही जॉइंड पॉलिटिक्स. शॉर्ट में हम बताएंगे पॉलिटिकल करियर. शुरू शुरू में उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो वो कोई खास उसको रिकॉग्निशन नहीं मिली. उसने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी का नाम पहले क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी. स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी जिसे हम कहते हैं कि उसके काम को देखते हुए उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिली और धीरे 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 उसको पार्टी में इम्पोर्टेंट जो है वो आगे पोजीशन जो है वो मिली. इसके बाद उसने क्या किया, इसी पार्टी का नेम चेंज कर दिया. इस पार्टी का नेम चेंज करके इसके साथ दो वर्ड्स ऐड कर दिए गए, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. अब इसको कैसे याद रखो, एन एस जी डब्ल्यू पी, ऐसे याद रखो. पहले पार्टी का नाम क्या था, जर्मन वर्कर पार्टी, बाद में इसने दो वर्ड ऐड कर दिए, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी. इसी पार्टी का बाद में नाम चेंज होकर क्या हो गया, हिटलर ने इसका नाम क्या रख दिया, नाजी पार्टी. इसके फुल फॉर्म नहीं है, उसने नाम इसका नाम रखा नाजी पार्टी. ठीक है, तो पहले आपने याद रखना है उसका ओरिजिनल नेम क्या था, जर्मन वर्कर पार्टी. फिर उसने दो नेम ऐड कर दिए, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी. ठीक है, उसके बाद इसी पार्टी का नेम बाद में क्या चेंज हो गया, नाजी पार्टी. ठीक है, इसके बाद कंट्री में करवाए गए इलेक्शंस. जब 1932 में इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन के बाद का जब टाइम आया तो 1932 में कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए. और आपको पता होगा कि 1932 में जब कंट्री में इलेक्शंस करवाए, यू विल बी शॉक्ड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स वर गिवन बाय द पीपल टू हिज पार्टी, नाजी पार्टी. हाउ मेनी, याद रखना आपने ये, 37%. आपके लिए 37% कम है, लेकिन एट दैट टाइम, जिस टाइम पीरियड में कंट्री में कोलिजन गवर्नमेंट का ट्रेंड था, एट दैट टाइम नाजी पार्टी गॉट 37% ऑफ वोट्स इन 1932. तो उस टाइम पीरियड में इनकी जो पार्टिसिपेशन या इनके नंबर ऑफ जो विनर थे, दैट वॉज मैक्सिमम. तो ये इनकी एक बिग विक्ट्री थी उस टाइम पीरियड, कि लोगों ने किस तरह से नाजी पार्टी को सपोर्ट किया और जो जो भी हिटलर ने उनको प्रोमिसेस किए थे, उन प्रोमिसेस जो है उन पे बिलीव किया. अब हम पढ़ेंगे कि हिटलर ने किस तरह से ये 37% जो वोट्स हैं वो अचीव की, क्या उसके फीचर्स थे, उसकी पर्सनैलिटी, ये हमने सारा अब हिटलर के बारे में बताना. तो ये पूरा कंप्लीट जो है टॉपिक, आप पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर एंड नाजीज्म बताओगे कि नाजी की, नाजी पार्टी या हिटलर जो है वो कैसे लाइमलाइट में आया, कौन से ईयर यानी कि 1932 के बाद कैसे उसकी कंट्री में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो स्ट्रांग हुई, क्या क्या उसकी पर्सनैलिटी के फीचर्स थे, वो सारे हम इसमें बताएंगे. डायनमिक पर्सनैलिटी, ठीक है, आपने सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो इसमें आपने शॉर्ट में बताने. डायनमिक पर्सनैलिटी, हिटलर की पर्सनैलिटी बहुत डायनमिक थी. पावरफुल स्पीकर, वो जब भी स्पीचेस देने के लिए आता था लोग दूर दूर से उसकी स्पीचेस को सुनने के लिए आते, यानी कि पूरी नाजी पार्टी में सिर्फ हिटलर ही एक ऐसा पर्सन था जो बहुत अच्छी स्पीचेस देता था, पावरफुल स्पीचेस जो है वो देता था. देन ही प्रॉमिस टू गिव जर्मन पीपल 100% एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट. उसने ये कहा कि अगर वो जर्मनी में जीतता है तो कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट. ही प्रॉमिस टू गिव जर्मन पीपल फुल एम्प्लॉयमेंट. क्लियर, लोग उसके नए स्टाइल से बहुत इंप्रेस हुए. उसका स्टाइल क्या था, न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. उसका जो स्टाइल था, एक सोल्जर बैकग्राउंड में होने के कारण वो हमेशा यूनिफॉर्म पहनता था. इवन उसकी पार्टी के मेंबर्स भी हमेशा यूनिफॉर्म में रहते थे. तो ये उसकी पॉलिटिक्स का एक नया स्टाइल था. आपने पॉलिटिकल लीडर्स को डिफरेंट अटायर में देखा, लेकिन सोल्जर की फॉर्म में लोगों के लिए उस टाइम पीरियड में एक नया ट्रेंड था.
इसने एक नया स्टाइल पॉलिटिक्स में डेवलप किया, लीडर्स को सोल्जर्स की यूनिफॉर्म में, एवरी टाइम दे विल बी रेडी टू सर्व द नेशन। जैसे सोल्जर्स जो होते हैं ऐसे ही उसने लीडर्स को भी सोल्जर्स की तरह ही ड्रेसअप करने के लिए कहा, ठीक है। देन ही ऑर्गेनाइज बिग रैलीज, उसने बड़ी बड़ी रैलीज ऑर्गेनाइज की ताकि लोग उसकी रैलीज को देखने के लिए दूर दूर से आए। और इसके अलावा उसके बैनर्स, उसका रेड बैनर बहुत फेमस हुआ, फ्लैग था रेड बैनर, और उस रेड बैनर के ऊपर उसका सिंबल स्वास्तिक जो उसकी पार्टी का सिंबल था। हमारी कंट्री में ये जो है लॉर्ड गणेशा का सिंबल होता है स्वास्तिक। हमारी कंट्री में ये लॉर्ड गणेशा का सिंबल है, लेकिन उस टाइम पीरियड में हिटलर की पार्टी का सिंबल था ये स्वास्तिक, जो कि रेड बैनर्स के ऊपर उसने प्रिंट करवाया था। तो दूर दूर से जब उसके लोग रेड बैनर लेकर, स्वास्तिक सिंबल लेकर आते थे, तो लोगों को पता लग जाता था कि ये हिटलर की रैलीज जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही, ठीक है। देन नाजी सैल्यूट, ये सोल्जर जब भी आपस में मिलते थे या हिटलर से मिलते थे डिफरेंट तरह के सैल्यूट्स करते थे, ड्रिल, जैसे आपने देखा हो ना कि आर्मी में ड्रिल होती है, ऐसे ही ये लीडर्स जो थे इनकी भी प्रॉपर ड्रिल जो थी वो होती थी। तो ये बहुत इंप्रेसिव लगती थी लोगों को देखने के लिए, जब रैली शुरू होती थी तो लोगों का सैल्यूट स्टाइल और उनका क्लैपिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट था। क्लैपिंग स्टाइल टोटली, लोग बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हुए उसको देखकर, क्योंकि वो कुछ नया कर रहा था और लोगों को लग रहा था कि शायद वो उस टाइम पीरियड की जो कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन से लोगों को निकालेगा, और इसीलिए लोगों ने उसको अपना सेवियर, मसीहा बना लिया। सेवियर ऑफ सोसाइटी, सेवियर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, जर्मन लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों को लगा कि हिटलर जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस और डिप्रेशन के बाद का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से उनको निकाले। तो दीज वर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट लेड टू पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर एंड नाजिज्म इन द जर्मनी आफ्टर 1930। ये मेन रीजन बना कि हिटलर की पॉपुलैरिटी कैसे हुई। आपने पहले बैकग्राउंड में बताना थोड़ा सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साय, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन, शॉर्ट में आपने वो बताने, उसके बाद फिर आपने बताना है हिटलर के डायनेमिक पर्सनैलिटी और उसका पॉलिटिकल करियर, जिसमें हमने नाजी पार्टी और हिटलर दोनों की ही पॉपुलैरिटी बतानी। क्लियर? सो दिस विल कवर योर सेकेंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब ये तो था हमने सारा पढ़ा कि किस तरह से हिटलर जो है उसने प्रोमिसेस जो है वो किए, है ना, प्रोमिसेस किए उसने, कैसे उसने लोगों को जो है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी या अपना जो है वो एक कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए उनको कंपेल किया कि अगर वो उसको वोट करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से हिटलर ने जब उसको पावर मिली और उस पावर को उसने कैसे मिसयूज की, और जो जो भी उसने प्रॉमिसेस किए क्या वो उनको फुलफिल कर पाया, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने हर, जब भी हम कोई भी रेवोल्यूशन पढ़ते हैं हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि चाहे मैक्सिमम रॉबेस्पियर पढ़ा, चाहे हमने नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ा, चाहे हमने लेनिन को पढ़ा, चाहे स्टालिन को पढ़ा, है ना, कि क्या ये लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉलिसीज बनाई। तो हर तरह के रूलर्स की हमने अलग अलग पॉलिसीज पढ़ी। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, दैट इज हाउ हिटलर डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी इन द कंट्री, ठीक है। तो दिस विल कवर योर, यस, दिस विल कवर योर टॉपिक दैट हाउ हिटलर ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हमने बताना है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप।
कि हिटलर ने कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया और डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट को कैसे एस्टैब्लिश किया। अब हमने ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है हमने ईयर वाइज उसको पढ़ रहे हैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टॉपिक में मैंने कवर किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक क्राइसिस, डिप्रेशन 1930 तक। सेकेंड जो पार्ट है उसमें हमने कवर किया पॉलिटिकल करियर 1932 और उससे पहले का टाइम पीरियड। अब इसमें हम करेंगे कवर डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, तो इसमें हम अपने बताना है कि जब हिटलर को पावर मिली तब उसने क्या किया। मीन्स इसमें हम पिछला कुछ नहीं बताएंगे, ना हम इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताएंगे, ना हम ट्रिटी ऑफ वर्साय बताएंगे, ना ही हमने इसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बताना है और ना ही डिप्रेशन बताना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में पिछला लिख देते हैं। अब हमने याद रखो कि हमने डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बताना तो वो तभी बताएंगे ना जब हम हमें ये पता होगा कि हिटलर को पावर कब मिली। इसका मतलब है जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना तो साथ में ना ईयर लिख लो कि हमने इस ईयर से पीछे नहीं जाना, हमने इस ईयर के आगे का टाइम पीरियड बताना। डिस्ट्रक्शन पहले टॉपिक को समझो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पहले डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हिटलर पावर में आया, हमने मैंने आपको अभी बताया कि 1932 में इलेक्शन हुए थे और उसको 37% वोट्स मिले। इसके बाद का टाइम पीरियड अब हमने बताना है कि 1932 के बाद हाउ हिटलर डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन द कंट्री, कि हिटलर ने किस तरह से डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर था कंट्री का उसको खत्म करके डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बनाई। और उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हिटलर को मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले, तो हिटलर जो था उसकी पार्टी नंबर वन पार्टी का मतलब होता है मेजोरिटी पार्टी। और जिस कंट्री में मेजोरिटी पार्टी होती है तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में लीडर्स या पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1932 में कंट्री के चांसलर की पोस्ट के लिए हिटलर को नॉमिनेट किया, बाय होम, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग। तो इसको हमने सबसे पहले बताना है, नंबर वन पोस्ट ऑफ चांसलर। पोस्ट ऑफ चांसलर, चांसलर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है प्रेसिडेंट के नीचे है, ऐसे ही जर्मनी में भी प्रेसिडेंट से नीचे की पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट से नीचे की जो पोस्ट उसको क्या बोलते थे, चांसलर। पोस्ट ऑफ चांसलर वॉज गिवन टू हिटलर, आपने ये बताना सबसे पहले कि पहले उसको पोस्ट मिलेगी तो ही वो पोस्ट को मिसयूज करेगा ना। और ये जो चांसलरशिप की पोस्ट थी ये सेकंड नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे किसकी पोस्ट थी, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग। तो हम क्या बताएंगे दैट ऑन 30th जनवरी 1933 प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पीरियड में जर्मनी के, हिंडेनबर्ग। प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ही ऑफर्ड पोस्ट ऑफ चांसलरशिप टू हिटलर ऑन 30th जनवरी 1933, ठीक है। तो ये मेन सबसे पहले आपने बताना है कि हिटलर को जब मेजोरिटी पार्टी 1932 में 37% इलेक्शंस में वोट्स मिले, देन उस टाइम पीरियड में कंट्री के प्रेसिडेंट कौन थे, हिंडेनबर्ग, एंड ही ऑफर्ड अ पोस्ट ऑफ चांसलरशिप टू हिटलर। और इस तरह से हिटलर जो थे ऑन 30th जनवरी 1933 को कंट्री के क्या बन गए, चांसलर। यानी कि पार्लियामेंट में, राइक्सटैग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जो था वो किसको मिला, हिटलर को। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो टॉप में जाना चाहता था, वो प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग को रिप्लेस करना चाहता था। लेकिन कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि हिटलर जो था वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था, वो तो चांसलर ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी मेजोरिटी इलेक्शंस के द्वारा वो जीता था। तो अब उसने इस पोस्ट यानी कि सेकंड पोस्ट से नंबर वन पोस्ट पे आने के लिए कंट्री में कुछ कॉन्स्पिरेसीज प्लान की। ये कॉन्स्पिरेसीज जो हैं, इन कॉन्स्पिरेसीज को क्या कहा जाता है, फायर डेक्री। डेक्री को आपको याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने डेक्री वर्ड पढ़ा हुआ, डेक्री को ऑर्डर भी कहते हैं, फायर डेक्री या फायर ऑर्डर।
इसका मतलब ये हमने ना अब एक फायर इंसिडेंट बताना है, इसमें हम बताएंगे। आफ्टर बिकमिंग द चांसलर ऑफ जर्मनी ऑन 30th जनवरी 1933, हिटलर ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पोस्ट, ही वॉन्टेड अपर पोजिशन, वो अपर पोजिशन चाहता था, पूरी कंट्री को रूल करना चाहता, और इसके लिए कंट्री में उसने कुछ कॉन्स्पिरसीज प्लान की। पार्लियामेंट की जब मीटिंग हो रही थी राइक्सटैग में, ही उसने एक कॉन्स्पिरसी जो है वो प्लान की, एंड फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं ना कि मीटिंग चल रही थी और पार्लियामेंट में अचानक से क्या हो गया, आग लग गई। और इस फायर इंसिडेंट में अब ये नहीं पता कि वो उसने खुद प्लान किया था, उस टाइम पर उसने ये कहा कि दैट वॉज एक्सीडेंटल, उसने ये शो कर दिया कि ये एक्सीडेंटल था, बट मे बी ये कॉन्स्पिरसी भी हो सकती है। एंड इन दैट फायर इंसिडेंट प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग डाइड, ही बर्नड एंड डाइड। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग की डेथ हो। अब आप खुद सोचो कि कुछ देर पहले अभी 30th जनवरी को ही हिटलर को चांसलर बनाया गया, और उसके बाद 28 फरवरी 1933 हिटलर ने उस फायर इंसिडेंट का फायदा लेते हुए जर्मनी में क्या इंप्लीमेंट कर दिया, फायर ऑर्डर। इस फायर ऑर्डर का मतलब था दैट टू सस्पेंड ऑल सिविल राइट्स ऑफ पीपल, क्लियर। यानी कि फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, दैट ऑन 30th जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ही ऑफर द पोस्ट ऑफ चांसलर टू हिटलर, बट ड्यू टू फायर इंसिडेंट प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग ही वॉज किल्ड, एंड ऑन 28 फरवरी 1933 हिटलर ही डिक्लेयर्ड अ न्यू, क्योंकि वो टॉप मेजोरिटी पार्टी से था ना, और प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, तो मेजोरिटी पार्टी के अकॉर्डिंग उसने उसका जो है मिसयूज किया अपनी पावर्स का, और उसने 28 फरवरी 1933 को जितने भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स है, उनको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने का मतलब क्या है, नाउ पीपल दे विल नॉट बी एबल टू अपोज हिटलर एंड हिज पार्टी। तो इस तरह से सबसे पहले तो उसने लोगों का ही जो है उनका ऑपोजिशन या जो भी वो उनकी एक पावर होती है उसको बंद कर दी, ताकि लोग उसको अपोज ना करें। फायर डेक्री 28 फरवरी 1933 हमारा टॉपिक क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, कैसे उसने स्टेप बाय स्टेप डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट किया, और आगे उसकी जो उसका माइंड में, उसके माइंड में उस टाइम क्या चल रहा था, टू रूल द कंट्री। रूल करने के लिए उसने उसको कुछ और चाहिए था कि वो पूरी कंट्री पे कंट्रोल करे और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हटा दे। बार बार उसे लोग उसको इलेक्ट ना करें, उसको ये डरना हो कि लोगों को लोग उसको इलेक्ट करेंगे। एंड कुछ दिनों के बाद, जैसे 28 फरवरी, ठीक है, 2-3 डेज के बाद 3rd मार्च, नेक्स्ट 3rd मार्च 1933 ही पास्ड एनेबलिंग एक्ट। उसने क्या किया, 3rd मार्च 1933 को एक नया एक्ट पास किया, इसको कहते हैं एनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट को अच्छी तरह से याद रखो, एनेबलिंग का मतलब क्या होता है, एनेबलिंग का मतलब क्या होता है, टू डिस्ट्रक्ट डेमोक्रेसी एंड एनेबल जर्मनी एज डिक्टेटर कंट्री। एनेबलिंग एक्ट का मतलब क्या होता है, एनेबल यानी कि कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, एनेबल जर्मनी या डिक्लेयर, एनेबल और डिक्लेयर जर्मनी एज डिक्टेटर कंट्री। जर्मनी को डिक्टेटर कंट्री डिक्लेयर करने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देना, पार्लियामेंट को खत्म कर देना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उस टाइम पर में, जो वाइमर रिपब्लिक के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनके राइट्स को खत्म कर देना, कोई भी पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकेगा। अब आप खुद सोचो कि 28 फरवरी के बाद 3 मार्च को ही उसने क्या किया, कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, एंड ही एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप फॉर्म इन द कंट्री।
और 3 मार्च 1933 का जो जर्मनी का न्यूज़पेपर होगा वो लोगों के लिए कितना शॉकिंग होगा। जिन लोगों ने हिटलर को इस फेथ पे वोट किया था कि वो डेमोक्रेसी या आगे आइडियाज या आगे कंट्री वो उनको सेवियर मानते थे, तो उसने किस तरह से कंट्री का उसने सबसे पहले क्या किया, लोगों के राइट्स ले लिए, फंडामेंटल राइट्स, सिविक राइट्स, ठीक है, फायर डेक्री, फायर ऑर्डर जो है उसने इम्प्लीमेंट किया, और फायर का फायदा लेते हुए, प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग की डेथ का फायदा लेते हुए उसने फंडामेंटल राइट्स, सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया ताकि लोग उसको अपोज ना कर सके। उसके कुछ दो दिनों के बाद 3 मार्च 1933 को उसने क्या किया, एनेबलिंग एक्ट पास किया। इस एनेबलिंग एक्ट से उसने क्या किया, ही एनेबल जर्मनी एज डिक्टेटर कंट्री, और उसने क्या किया, जितना भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था इलेक्शन खत्म कर दिए। अब इलेक्शंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, डिक्टेटर कंट्री जब बन जाती है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, नो राइट टू पॉलिटिकल पार्टीज, नो राइट टू अपोज हिटलर्स पॉलिसीज, ठीक है, इलेक्शंस विल नॉट बी कंडक्टेड एंड ऑल द पावर्स विल इन द हैंड्स ऑफ ओनली वन पर्सन, दैट इज हिटलर। पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट से कंसल्टेशन नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क नहीं होगा, ठीक है, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, तीनों कौन होंगे, हिटलर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री में डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें लॉ बनाने वाला, लॉ इम्प्लीमेंट करने वाला और जुडिशरी जो है वो सारी की सारी जो है किसके अंडर होती है, हिटलर के। एंड विद दिस वी कैन से ही डिस्ट्रक्टेड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप। ये अभी हमारा थर्ड पॉइंट है, ठीक है, आगे इसको और हम डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये तो हमने जस्ट बताया स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग उसने एक्ट पास किया और कंट्री का फॉर्म जो है स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ठीक है। फोर्थ, अब जब उसने एक्ट पास किया तो अब वो देखना चाहता था कि इस एक्ट का लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि लोग क्या करेंगे सोसाइटी, तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग रिवोल्ट करेंगे, तो उन लोगों के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, कर्व करने के लिए उसने क्या किया, कितना इंटेलिजेंट होगा वो, उसने सिक्योरिटी फोर्सेस अपॉइंट की, ही अपॉइंटेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, गेस्टापो, ये नाम जर्मन है याद रखना बच्चे ये, क्योंकि इसमें ना आपने बहुत से, जैसे फ्रांस में आपने कुछ फ्रेंच नेम याद रखे थे, ऐसे ही जर्मनी में कुछ आपने जर्मन नेम्स याद रखने हैं, गेस्टापो, ही अपॉइंटेड गेस्टापो। अब ये गेस्टापो क्या था, सीक्रेट पुलिस, नॉट इन यूनिफॉर्म, सोसाइटी में, कंट्री में उसने सीक्रेट पुलिस जो है उसको अपॉइंट किया, नॉट इन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, सोसाइटी में अलग अलग जगह उनकी ड्यूटीज या रोमिंग करेंगे और उसके बाद सोसाइटी में क्या हो रहा है वो हिटलर को बताएंगे, गेस्टापो। इसके अलावा उसने अलग अलग, जिसे हम कहते हैं कि ग्रुप्स जो हैं वो बनाए, और ये ग्रुप्स को अलग अलग तरह की ड्यूटीज दी कंट्री में पीस मेंटेन करने के लिए, और जो लोग इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उनके बारे में बताने के लिए। ये अलग अलग तरह की क्रिमिनल पुलिस थी जो क्रिमिनल्स को अरेस्ट करती थी, इनको अलग अलग एरियाज दे दिए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए, ठीक है, SA, SS, SD, ये इनके सीक्रेट कोड थे, SA, SS, SD, क्रिमिनल पुलिस, काइंड ऑफ क्रिमिनल पुलिस थी जो क्रिमिनल को पकड़ती थी, जो लोग इसको अपोज करते थे, वर अपॉइंटेड सिक्योरिटी फोर्सेस। आप ये खुद सोचो कि जिन लोगों ने 37% वोट्स देकर हिटलर को इलेक्ट किया, उन्हीं लोगों की एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए हिटलर को कितने तरह के अरेंजमेंट्स करने पड़े ताकि लोग इसके अगेंस्ट ना जाएं। तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म करके डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए लोगों के ऊपर ही सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी। एंड ये तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, आगे आगे देखोगे आपकी हिटलर के कितनी ज्यादा पॉलिसीज जो थी ऐसी थी जिनके कारण जर्मनी के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फिफ्थ, टॉर्चर चैम्बर्स। हिटलर ने बहुत से ऐसे एरियाज, जिन एरियाज में से क्रिमिनल्स को पकड़ा, पॉलिटिकल लीडर्स जो उसकी पॉलिटिकल नाजी पार्टी को अपोज करते थे, इवन उसकी अपनी ही पार्टी में जो लोग उसको अपोज करते थे, ठीक है, तो पीपल देवर अरेस्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड दीज वर डिक्लेयर्ड
एज क्रिमिनल्स, उनको मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर दिया, जो लोग हिटलर को अपोज कर रहे थे क्रिमिनल्स, ठीक है, क्रिमिनल्स को जो है वो जो इनको अपोज कर रहे थे. और इनको कहां पे भेज दिया, टॉर्चर चैम्बर्स. और किसी तरह का केस जो है इनके ऊपर नहीं चलाया जाता था, नो ट्रायल. नो ट्रायल का मतलब होता है कोई कोर्ट केस नहीं चलता था, नो ट्रायल इन द कोर्ट. कौन थे ये मोस्ट डेडेड क्रिमिनल्स, किनको उसने डिक्लेयर किया, ऐसे लोग जो इसकी पार्टी या इसकी पॉलिसीज को अपोज कर रहे थे, ठीक है. दे वर पुट इनटू टॉर्चर चैम्बर्स, उनके लिए उसने अलग अलग टॉर्चर चैम्बर्स बनाए, काइंड ऑफ प्रिजन, काइंड ऑफ जेल, जिसमें कोई कोर्ट केस नहीं होता था, बिना किसी जो है वो कोर्ट केस के इनको अरेस्ट कर लिया जाता था. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते कि दैट वॉज ऑल्सो द अगेंस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज. ये डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट होता है, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता. हमारी कंट्री में अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो वारंट होना चाहिए, ठीक है, एंड 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं. बट एट दैट टाइम रूल ऑफ हिटलर वॉज देयर, इट वॉज डिक्टेटरशिप, सो पीपल दे वर अरेस्टेड, दे वर डिक्लेयर्ड एज क्रिमिनल्स बिकॉज दे वर जस्ट अपोजिंग द हिटलर्स पॉलिसीज, एंड एट दैट टाइम नो ट्रायल वॉज एग्जीक्यूटेड इन द कोर्ट एंड दे वर गिवन पनिशमेंट्स एंड दे वर सेंट टू टॉर्चर चैम्बर्स. Here, so this was the, we can say that how he destructed democracy and established dictatorship in the country. So, ये तो just उसकी starting थी. 1932-33 का time period हमने इसमें बताया मैं. इसके बाद हम 1933 के बाद आगे बताएंगे कि किस तरह से हिटलर ने अपनी policies को continue की. Clear?